पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शनिवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में मौसम एकदम बदल गया। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात और पूरे प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। अगले 24 घंटे तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहेगा। वर्षा और हिमपात से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान सामान्य से 10 डिग्री तक नीचे चला गया है। राहत की बात यह है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात अभी सुचारू रूप से बहाल है। हिमाचल के रोहतांग, शिंकुला, कुंजम व बारालाचा दर्रों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हुई। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर को किन्नौर को छोड़ बाकी जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन व सिरमौर जिला में भारी वर्षा होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शनिवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए वहां के कुछ इलाकों में तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अगले 2 से 3 दिन तक भारी वर्षा व बर्फबारी होने की चेतावनी दी है। IMD के अनुसार ही मौसम का पहला तीव्र पश्चिमी विक्षोभ है और उत्तर पश्चिम व मध्य भारत में 17 अक्टूबर तक इसका असर देखने को मिलेगा। IMD ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब में भी सोमवार को भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा इस अवधि में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी और बिजली कड़कने का पूर्वानुमान है।